पानी पूरी पाव भाजी है। ये क्या लिखा हुआ, बाकी पढ़ के तो दिखाओ। ये लिखा हुआ है ससित यास। ललित चाट। हे गाइस, हम निकल गए हैं और अभी हम जा रहे हैं उदयपुर सिटी एक्सप्लोर करने के लिए। हमने थोड़ा बहुत रेस्ट वगैरह किया है, रिलैक्स किया है और थोड़ा बहुत थकावट वगैरह तो इतनी उतरी नहीं है। तो गाइस, हम जो सबसे पहले जगह जा रहे हैं वो है फतेह सागर लेक, क्योंकि हमने जो रिसेप्शन में जो खड़े हुए थे उनसे पूछा है, हमारे होटल के स्टाफ से, वो कह रहे फतेह सागर लेक अभी का बेस्ट टाइम है और आप वहाँ पर वाटरफॉल्स भी देख सकते हो और भाग्य को करनी है शॉपिंग इसके बाद। तो एक जगह है, देखो खुशी, देखो खुशी। तो जगह है एक हाथी पोल, तो वहाँ पे भी, और एक बापू बाज़ार भी है यहाँ पे। तो देखते हैं कहाँ जाते हैं, लेके चलते हैं आपको और आपको दिखाते हैं। तो गाइस, हमने अभी बाइक नहीं, इनफैक्ट एक्टिवा जो है वो रेंट पे ले ली है। और मैं तो आपको ये सजेस्ट करूँगा, आप जब भी उदयपुर आओ तो ये अंकल से रेंट करो, बहुत ही अच्छे अंकल हैं, ऑनेस्ट एंड हम्बल। ये पड़ता है कौन सी जगह अंकल? हरिदास जी मल्ला तलाई ना, मल्ला तलाई जगह का नाम है, ऑपोजिट द क्रॉनिकल्स होटल। और उन्होंने हमें 250 रुपीस फॉर वन डे दिए है, पेट्रोल भी भर दिया अंकल ने हमारे लिए। तो अभी हम घूमेंगे स्कूटी पे और हम जा रहे हैं सबसे पहले कहाँ पे भाग्यू? फतेह सागर लेक। ठीक है, लेट्स गो, थैंक यू। तो गाइस, हम पहुँच गए हैं फतेह सागर और आप देखिए यहाँ पे अलग ही माहौल है, पूरा बॉम्बे चौपाटी जैसी फील आ रही है। तो गाइस, भाग्यू को अभी खानी है दाबेली, तो हम सबसे पहले इसको खिलाएंगे दाबेली और फिर जाएंगे वो सेवन सीज कैफे में। दाबेली कहाँ से खाओगे बताओ, बहुत सारी शॉप्स हैं यहाँ पे। तो दाबेली इज अ गुजराती डिश एंड यू आर गुजराती, ओके गाइस। यहाँ से नहीं खानी, ये आगे से खानी है। अच्छा, वहाँ से खा लो, चलो। अभी देखिए इतने सारे स्टॉल लगे हुए हैं, खासकर ये बॉम्बे का स्ट्रीट फूड है पूरा का पूरा, और गुजराती इसकी फेवरेट डिश, पानीपुरी, चाट, दाबेली। भाग्यू तो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो गई, कह रही कि अच्छा हुआ हम आ गए उदयपुर। कहाँ से खाओ क्या बोलो, पक्का श्योर? अच्छा, तो कहते गुजराती में है, तो भाग्यू को गुजराती में सर दाबेली दे दो यार, एक दो पहले खा के देखते हैं। पानी पूरी, दही पूरी, सेव पूरी, ओके। यू आर एन इंडियन, यू आर नॉट गुजराती, आई एम गुजराती। बस ये क्या लिखा हुआ, बाकी पढ़ के तो दिखाओ। ये लिखा हुआ है ससित यास। हाँ, ललित चाट। तो ये बन रही है गाइस हमारी दाबेली, और भैया ने गाने भी चलाए हुए हैं कॉपीराइट लाने के लिए। क्या बात है भाई, थैंक यू। तो गाइस, मैं खाने लगा हूँ गोलगप्पे और बाकी टेस्ट करके बताओ कैसी है। मीठा ऐड करना है। हाँ, तो गाइस भाग्यू का कहना है कि जब मैं इस शॉप पे आई तो शॉप के भाग्य खुल गए और अब देखिए भीड़ कितनी हो गई है और सब इसी की शॉप से खाने आ रहे हैं, है ना। मतलब दाबेली इज ओके, नॉट दैट ग्रेट, खाई जा रही है, टेस्टी है, इट्स गुड। गोलगप्पे वॉज मोर गुड, यू मिस गोलगप्पे। तो गाइस, अभी हम जा रहे हैं सेवन लेक्स कैफे एंड रेस्टोरेंट कुछ हल्का फुल्का पीने। यह अच्छा बना हुआ बहुत, और गाइस बेस्ट पार्ट, लाइव म्यूजिक हो रहा है यहाँ पे। ना जाने कोई कैसी है ये जिंदगानी।
गाइस आर लिविंग आफ्टर सिटिंग फॉर हाफ एन आवर। दो तीन आइटमें मंगाई पर इतना कुछ खास था नहीं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मतलब एम्बियंस वॉज नाइस, लाइव म्यूजिक वॉज गुड, बट फूड वॉज नॉट दैट ग्रेट। गाइस हम आ गए हैं अपने होटल के रूफ टॉप पे। हमें कोई होटल नहीं मिला कल और परसों के लिए, और अभी हम यहाँ बैठ के चिल कर रहे हैं। यहाँ थोड़ी बहुत पार्टी चल रही है इनकी, और बहुत चिल्ड मौसम है। मॉर्निंग गाइस, तो हम आ गए हैं अपने फर्स्ट नाइट होटल के रूफ टॉप पे, और हम कल मैं और भाग्य यहाँ बैठे हुए थे ऊपर। मस्त मौसम था, ठंड लग रही थी कल रात को, और अभी हम आए हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए, तो आपको लेके चलता हूँ शिखास। ये है हमारा ब्रेकफास्ट डे वन। ये देखिए मैंने लिया पोहा, उपमा, और भी बहुत कुछ है, मैं आपको दिखाता हूँ क्या क्या है, क्या क्या ऑप्शंस हैं। तो गाइस ये है फ्रूट सेक्शन, देन दे हैव दिस आलू पराठा, उपमा, ये है आलू बोंडे, पूरी सब्जी, दिस इज पोहा। तो गाइज हम आ गए हैं अपने डे टू होटल में, और वो है जडोल विजय विलास। अब देखिए ये वो होटल है, तो हमने अपना बजट काफ़ी एक्सटेंड किया है यहाँ पे, क्योंकि हमें कोई ढंग का होटल नहीं मिल रहा था और भागी को यहीं रहना था। और अब देखिए ये मैं आपको दिखा दूँ बाहर से होटल, इट्स अ 4-स्टार प्रॉपर्टी, बहुत सही है, मतलब और मतलब लग्जरी है, फुल लग्जरी। तो बजट हमने काफ़ी एक्सटेंड बहुत स्ट्रेच किया है, डिस्काउंट यहाँ पर हमें एक भी नहीं मिला, और हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था, क्योंकि कल में हमने एक डेढ़ घंटा देखा होटल की सर्च करी, पर कुछ ढंग का मिल नहीं रहा था। मैं आपको दिखा दूँ अंदर से पूरा, चेक इन वगैरह की फॉर्मेलिटी हो गई, और अब हमने रूम की तरफ जा रहे हैं। ये देखिए इसका लॉबी एरिया, ये देखिए गाइस। तो थैंक यू सर, क्या नाम है आपका? पुष्पेंद्र। हाँ ठीक है, थैंक यू भाई। तो गाइस हमने कल यहाँ पे जाना है श्रीनाथ जी नाथ द्वार। तो गाइस दिस इज आवर रूम, वाओ। बाकी ये रूम तो वैसे 5-स्टार कैटेगरी के लग रहा है। वाओ दिस इज टोटल लग्जरी, बहुत सही बना हुआ है। और ये भाग्य आते ही बियर वगैरह सेट करने लग गई, नहीं वो पूरा पानी के अंदर हिला लग जाए। अच्छा, ये है वॉशरूम, वेरी नाइस। क्या भाई इसकी फ्रेग्रेंस कितनी अच्छी आ रही है ना रूम से। ये होती है ना रूम, वो भी अच्छी रूम थी। गाइस हम जा रहे हैं अभी थोड़ा स्विमिंग पूल में टाइम एंजॉय करने के लिए, और उसके बाद निकलेंगे, क्योंकि मौसम बहुत ज़्यादा प्यारा हो गया है। मैं आपको थोड़ा बहुत ड्रोन शूट करके दिखाता हूँ, यहाँ पे ड्रोन तो अलाउड है नहीं। ये है
लग्जरी अल्टीमेट स्विमिंग पूल। व्यू देखिए सामने, लेक व्यू। यहाँ पे चल रहे हैं अभी हम और पियेंगे बियर वगैरह थोड़ी। मैंने कॉस्ट्यूम नहीं पहना हुआ, अलाउड हो शायद ये हौजरी वाली निकर। चीयर्स। या हेलो गाइस, हम आ गए अपने होटल सेकंड होटल के रूफ टॉप पे और अभी हम चिल कर रहे हैं। तो बियर वगैरह पी है, भाग्यू ब्रीजर पी रही है। और उदयपुर गाइस वर्थ है, मतलब हम कल रात को गए, आपको दिखा नहीं पाए क्योंकि शूटिंग होती नहीं रात को, क्योंकि कैमरा जो है पूरा ब्लर वगैरह हो जाता है। हम गए थे कल लेक पिचोला के पास, बहुत बढ़िया होटल वगैरह हमने कल देखा, वो होटल तो मिले नहीं क्योंकि सारे फुल हैं। हमने अपना बजट एक्सटेंड कर दिया यहाँ पे आके, हमने फ्राइज मंगाए हुए हैं, फ्राइज खा रहे हैं। और अभी हम उदयपुर इसके बाद घूमने जाएंगे क्योंकि हमने कुछ भी नहीं घूमा उदयपुर में अभी फिलहाल। हम कल रात को फन कर रहे हैं, राइट। हम कल रात को भी उदयपुर सिर्फ होटल ही ढूंढ रहे थे क्योंकि आपको पता है हमारा हर बार की तरह एडहॉक प्लान होता है, बस हम होटल ढूंढ रहे हैं। और अभी हम नहाएंगे वहाएंगे और हम आधे घंटे में निकलेंगे उदयपुर घूमने के लिए। यहाँ पर सिटी पैलेस है और पता नहीं बहुत सारी चीज़ें हैं, पर मुझे उदयपुर राजस्थान में सबसे बेस्ट लगा। इट्स वर्थ, आप लोग प्लीज़ आइए। और एक्सपेंसिव है नो डाउट, होटल्स जो हैं बहुत एक्सपेंसिव हैं ड्यू टू लॉन्ग वीकेंड। आप देखिए और आप प्लीज गाइस मेरे वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, सब्सक्राइब लाइक शेयर, क्योंकि उससे मुझे सपोर्ट मिलता है और मैं आपको नई नई जगह दिखाऊंगा। ये बेसिकली नई नई जगह तो नहीं है, सब यूट्यूबर्स दिखाते हैं, पर बेसिकली हम अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, मैं और भाग्यू और मेरी फैमिली। हे गाइस, तो अभी हम स्विमिंग पूल से निकल के नहा हो के रेडी हो गए मैं और भाग्यू, और अभी हम जा रहे हैं सबसे पहले कैफ़े अम्ब्रेई, क्योंकि उसका जो रिव्यूज़ वगैरह है बहुत अच्छे हैं और मेरा भाई सनी है वो भी गया हुआ है, तो हम यही प्रेफर करेंगे। सबसे हम पूछें तो वो सब यही करेंगे, आप स्कूटी से जाओ, गाड़ी से जाओगे तो फंसोगे। स्कूटी हमने ऑलरेडी ली हुई है 3 दिन के लिए, फ्राइडे मतलब हाफ, सैटरडे फुल, संडे फुल। संडे को रात को 9 बजे हमें रिटर्न करनी है और ये हमारी स्कूटी 7903, तो हम स्कूटी में ही चलेंगे। ये हमारी गाड़ी खड़ी हुई है, हम निकलते हैं सबसे पहले कैफ़े अम्ब्रेई और वहाँ पे आपको दिखाते हैं। और उसके बाद हमें जाना है सिटी पैलेस, सज्जनगढ़ फोर्ट। आज बहुत कुछ करना है, अभी 1:30 हो गए हैं तो बस हम निकले, लेट हो गए काफ़ी, पर ठीक है। अभी हमारे पास पूरा दिन है, आराम से इन्जॉय करेंगे उदयपुर के नज़ारे और आपको दिखाते रहेंगे साथ साथ। तो गाइस अभी हम जा रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, हम जा रहे हैं अम्ब्रे रेस्टोरेंट, अम्ब्रे होटल भी है वो, और ये है यहाँ का बहुत ही फेमस लेक पिचोला होटल। आप देखिए यहाँ पे, आप अंदर जाइए आपको लेक का पूरा व्यू दिखेगा। तो हम कल रात को गए थे, मैं आपको थोड़ा शाम के टाइम दिखाऊंगा, पहले हमें भूख बहुत लगी है तो पहले हम वही जा रहे हैं। और अच्छा हम गाड़ी नहीं देखे, आप देखिए यहाँ पे इतना ट्रैफिक लगता है, गलियाँ बहुत छोटी छोटी हैं, यहाँ पे नैरो स्ट्रीट्स हैं बहुत। तो गाइस ये होटल का नाम है अमेट और हम जा रहे हैं रेस्टोरेंट। हाँ शाम में आने का मजा है वैसे तो, पर हमें भूख लगी है ना। हम आ गए हैं अम्ब्रे रेस्टोरेंट, वेरी नाइस एम्बियंस, सी द व्यू गाइस। ये जो सामने है व्हाइट कलर, दैट इज
ताज। थैंक यू भाई। टोमेटो केचप है ना? टोमेटो केचप। नाइस, वेरी नाइस। मतलब हमने वेज प्लेटर मंगाया है, तो इट कंसिस्ट ऑफ पनीर टिक्का, वर्मा आलू एंड कॉर्न सीख। बहुत बढ़िया।